तो गाइस अगर ये डॉग ब्रीड आप लोगों के पास है ना, तो आप लोगों के दोस्तों को भी घर आने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस डॉग ब्रीड से हर किसी को डर लगता है। और सिर्फ दोस्त ही नहीं यार, अगर आप लोगों के पास ये डॉग ब्रीड है ना, तो आप लोगों के घर के आसपास कोई डॉग्स एनिमल्स कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई अगर ये किसी को एक बार पकड़ लेंगे ना, तो वहां से उस चीज को डिस्ट्रॉय किए बिना बिल्कुल नहीं छोड़ते। जी हां गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जो कि बहुत ही पावरफुल है, जिसे आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है डोगो अर्जेंटिनो। तो भाई इस डॉग ब्रीड को परचेज करने का ना हर किसी का सपना होता है, बट कुछ लोग इसे इसलिए परचेज नहीं कर पाते कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं, एंड कुछ लोग इसलिए कि वो फर्स्ट टाइम ओनर्स होते हैं, और कहा जाता है कि डोगो अर्जेंटिनो फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए नहीं होते। तो भाई जो लोग डोगो अर्जेंटिनो में इंटरेस्ट रखते हैं और उन लोगों को इसके बारे में अच्छे से नहीं पता, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। तो गाइस पहला तो ये कि डोगो अर्जेंटिनो मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड में गिने जाते हैं, क्योंकि काफी पावरफुल होते हैं, बट जितना ये सच है उतना ही सच ये भी है कि अपनी फैमिलीज के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं। तो अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं और डोगो अर्जेंटिनो आप लोगों के साथ है और आप लोगों को किसी एनिमल से खतरा लग रहा है, तो भाई डोगो अर्जेंटिनो हमेशा आप लोगों से आगे मिलेंगे, क्योंकि भाई एक फियरलेस डॉग ब्रीड है जो किसी से भी नहीं डरते और अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। तो जिन लोगों के पास फार्म हाउस वे हाउस है और वहाँ पर आप लोगों को एक डॉग चाहिए वो भी गार्डिंग के लिए, तो भाई इससे बेटर डॉग ब्रीड शायद ही आप लोगों को कोई दूसरी देखने को मिले। और अगर इनकी पावर के बारे में बात करें, तो इनका जो बाइट प्रेशर है वो है 500 पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो कि रॉटवेलर जर्मन शेफर्ड एंड पिटबुल से कहीं ज्यादा है। तो फ्रेंड्स पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में है और प्योर व्हाइट कलर में। वैसे भी डोगो अर्जेंटिनो सिर्फ एक ही कोट कलर में पाए जाते हैं और वो है व्हाइट। वैसे इनमें आप लोगों को थोड़ी बहुत ब्लैक कलर की मार्किंग भी देखने को मिल जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है डोगो अर्जेंटिनो में। तो फ्रेंड्स अगर इनके पेरेंट्स के बारे में बात करें, तो पपीज की मदर तो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर। वैसे इनमें से एक नहीं बल्कि दोनों ही फादर हैं, क्योंकि दोनों ही ओनर के पास अवेलेबल है, तो जिससे चाहे ओनर उससे मेटिंग करा देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पपीज जो है ये काफी अच्छी ब्लड लाइन से भी है, जो है रॉकी ब्लड लाइन। एंड वैसे भी ये जो ओनर है ये स्पेशली डोगो अर्जेंटिनो में काम करते हैं, और इनके पास आप लोगों को हमेशा काफी अच्छी क्वालिटी के पपीज मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो भाई ये है कि पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग के हैं, जब आप लोग इन्हें परचेज करने जाओगे तो डायरेक्ट इनकी मदर और इनके फादर को भी देख सकते हो, क्योंकि सभी डॉग्स ओनर के पास ही अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स अगर पपीज की एज के बारे में बात करें, तो ये 45 डेज के हो चुके हैं, जो कि परचेज करने के लिए एक परफेक्ट एज होती है, जिन्हें परचेज करके आप लोग तुरंत वैक्सीनेशन करा सकते हैं। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है यमुनानगर हरियाणा से, एंड ऑफ कोर्स डिलीवरी में आप लोगों को दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप लोग इंडिया के किसी भी कोने से इन डॉग्स को ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ओनर आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, या फिर अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ओनर के घर जाकर भी इन पपीज को परचेज कर सकते हो। एंड गाइस प्राइसिंग को लेकर यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट है, ओनर जो है वो इस बार इन पपीज का प्राइस रिवील नहीं करना चाहते, तो उसे जानने के लिए आप लोगों को डॉग ओनर से ही कॉन्टेक्ट करना होगा। और जिसे पता लगे प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दे कि पपीज का प्राइस क्या होने वाला है, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। तो आशा करता हूं इन पपीज की क्वालिटी, इनकी ब्लड लाइन और ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।